फ्री भी है कल्लड़ में जो चाय मिल जाती है फिर तो माहौल बन जाता है बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए हैं चाय पीने के लिए, तो ये सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे आए हैं और अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। हेलो मेरे प्यारे भाई लोग, कैसे हैं आप सभी, स्वागत करता हूँ एक और न्यू ब्लॉग में। आज के इस ब्लॉग में हम लोग आए चाय के कुंभ में और आप लोग को मैं पूरा एक्सप्लोर करने वाला हूँ। मेरे को खुद नहीं पता कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तो चलो अपन साथ में देखते हैं कि क्या चल रहा है अंदर। यहाँ से एंट्रेंस है वो लिखा भी है चाय का कुंभ और यहाँ पे आप सब देख सकते हो बैरिकेडिंग लगाई गई है। ये देखो भाई चाय का कुंभ, वाह एक नंबर, और अंदर का माहौल खूबसूरत दिख रहा है यहीं से। इस चाय के कुंभ का माहौल कुछ इस तरीके का है, इतने लोग आए हुए हैं, आप इतने यहाँ पे हर जगह के स्टॉल्स लगे, जैसे कि ये स्टॉल दिख रहा है, ठीक है, एक आगे वो स्टॉल है, ऐसे करते करते आगे तक स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो जो ये वाला चाय का स्टॉल है यहाँ पे, तो एक बार गौर करने वाली चीज है, देखो प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए हैं चाय पीने के लिए। इसी प्रकार का यहाँ पे माहौल है कि आप लोग चाय पियो, बढ़िया एंजॉय करो, और मेरे ख्याल से खरीद के पीने वाली सिस्टम है। चलो एक आध स्टॉल पे पहुँचते हैं और पूछते हैं कि फ्री वाला है कि खरीदने वाला सिस्टम है। तो यहाँ पे कुछ कॉलेज वाले चाय के ऊपर कुछ पेंटिंग्स बनाई हुई है, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। कॉलेज का नाम है शासकीय ललित कला महाविद्यालय। ये सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे आए हैं और अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। ये चाय समोसा है, ये कुछ चाय के बारे में, यहाँ पे भी चाय। तो ये मैंने आप लोगों को कुछ पेंटिंग्स दिखाई चाय के ऊपर इस चाय कुंभ में, और आगे बढ़ते हैं। जी अंकल जी, चाय बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चाय, चाय बहुत अच्छी है। अभी मैंने तो टेस्ट नहीं किया अभी जी, आप लोगों ने किया? बहुत अच्छा है, चाय फ्री भी है, चाय भी अच्छी है, फ्री भी है, बहुत अच्छा, सब एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा ऐसा है, जबलपुर का पूरा युवा यही है जी। मेरा दीपू ब्लॉग है 170 और हम लोग कर लेंगे ना, अभी तुम बता दो। जी जी धन्यवाद जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया लोग जैसा बताए, चलो अब अपन भी एक्सपीरियंस करते हैं। जॉय जबलपुर, जबलपुर में पहली बार ऐसा प्रोग्राम, चाय का कुंभ, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे कार्यक्रम आने चल के होते ही रहने चाहिए। ये चाय का कुंभ उन चाय वालों के सम्मान में है जो किसी भी परिस्थिति में हो हमें मीठी और असरदार चाय पिलाते हैं, जहाँ कहीं भी हों, जब कभी भी हों, देखो हर जगह हमें पिलाते हैं, और उन्हीं के सम्मान में जबलपुर के लोग आज इकट्ठा हुए हैं। तो भाई लोग यहाँ पे कॉन्सर्ट भी चल रहा है जहाँ पे स्टूडेंट्स आके सिंगिंग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स ही हैं। यहाँ पे अशोक रूहानी जी और राकेश सिंह जी भी आए थे। तो यार अब चाय पीने का मन कर रहा है, और गणेश भैया का स्टॉल भी यहाँ पे लगा हुआ है जो कि अपने आधार ताल धनी कुटिया के सामने ही वाला स्टॉल लगता है हमेशा, आज यहाँ भी लगा हुआ है। तो गणेश भैया दो चाय। यो भाई थैंक यू भैया। तो ये गणेश भैया की तरफ से स्पॉन्सर है हमारे लिए, ये आ गई दूसरी भी। तो गणेश भैया के हाथ की चाय, रुको जरा, गणेश भैया के हाथ की चाय, वैसे मैं डेली पीता ही हूँ और यहाँ पे भी अपने चाय के कुंभ में भी। हाँ हाँ हाँ, आज स्वाद और ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि भाई कुल्लड़ वाली चाय है ना, कुल्लड़ में जो चाय मिल जाती है फिर तो माहौल बन जाता है बिल्कुल। थैंक यू गणेश भैया, आप आए, बहुत बहुत अच्छा लगा जी भैया। तो आइए जानते हैं गणेश भैया को आज पूरे दिन ऐसा लगा इस चाय के कुंभ में, क्योंकि गणेश भैया दोपहर से लेकर के अभी रात में 7-8 बजे तक लगातार काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, यहाँ पे 10 रुपए की चाय है हमारे यहाँ। यही था चाय का कुंभ, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं, आप लोग अपने मनपसंद स्टॉल से चाय लेके पी सकते हैं। 10 रुपए एक चाय की अंदाजन कॉस्ट है, हम लोगों को तो स्पॉन्सर हो गई थी चाय, तो हम लोग आराम से एंजॉय किए, और बाकी ये माहौल अगल बगल बहुत सारे लोग आए हैं इस चाय के कुंभ में और एंजॉय कर रहे हैं, तो अभी आप लोग को दिखा रहे हैं। तो आज के इस ब्लॉग में इतना ही, आप लोग को मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय, लव यू, बाय बाय।